हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने चैनल पी क्लासेस में। आज इस वीडियो को दो दिन बाद मैं ला रहा हूँ, क्योंकि जो मैंने वीडियो डाली उसको थोड़ा सा लोग देख लें और उसके बाद उसमें पता चल जाए कि कैसे कैसे शिफ्ट हैं। तो उसमें मैंने आपको पूरे डिटेल बताया था, उसमें मैंने केवल इजीएस शिफ्ट और हार्डेस्ट शिफ्ट के बारे में बताया था। अब यहाँ पर मैं बात करने वाला हूँ आपका नॉर्मलाइजेशन कैसे होगा, आपकी पूरी 42 शिफ्ट का पूरा डाटा है, पूरा 42 शिफ्ट का डाटा एनालिसिस करेंगे और पूरा डिटेल में फिर टीयर 1 की आपको कट ऑफ बताएंगे कि कितनी कट ऑफ आपकी जा सकती है। पूरा डाटा भी लेंगे प्रीवियस ईयर का, उस हिसाब से लेंगे और ये भी बताएंगे कट ऑफ अगर हाई जाएगी तो उसका लॉजिक क्या है, क्यों हाई जा सकती है, ये सब पूरा डिटेल आपको बताया जाएगा। तो आप पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा। और अब हम बढ़ते हैं आगे। सर्वप्रथम अब हम बात करें किस किस चीज पर बात करेंगे। देखिए यहाँ पर जो डाटा है वो 2701 स्टूडेंट का डाटा है, इससे ज्यादा डाटा नहीं आ सकता मेरे पास। 2700 स्टूडेंट का डाटा बहुत है, इनफ मेरे लिए। यहाँ पे ई शिफ्ट की डिफिकल्टी लेवल पे बात करने वाले हैं, टीयर 1 की एक्सपेक्टेड कट ऑफ पर बात करने वाले हैं, नॉर्मलाइजेशन स्कोर पे बात करने वाले हैं, कितना इंक्रीज होगा आपको नॉर्मलाइज करने के बाद वो भी बताएंगे आपको, और प्रीवियस ईयर की जो कट ऑफ है या जो यहाँ पे डेट नहीं होगा ये डाटा होगा तो ध्यान रखना, डाटा एनालिसिस भी करेंगे, उसके साथ आपकी कट ऑफ का प्रेडिक्शन किया जाएगा प्रीवियस ईयर के बेसिस पे, ठीक है, और आपके डाटा के बेसिस पे जो एनालिसिस हुआ है टीयर 1 का। अब यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। देखिए टेस्ट बुक पर एक वीकेंड ऑफर चलता है जैसा कि आपको पता है, तो आप वीकेंड ऑफर पे बहुत ज्यादा आप कैशबैक प्राप्त कर सकते हैं। देखिए जो टेस्ट बुक है वो 540 एग्जाम्स को कवर करता है, कम से कम 41,000 मॉक टेस्ट आपके वहां पे मिलेंगे और इसमें सबसे अच्छी बात है कि 10 लैंग्वेज में आपको ये सब चीजें मिलती हैं, 10 लैंग्वेज में आपको ये मॉक टेस्ट मिलते हैं और इसमें जो सेक्शनल एनालिसिस होता है वो बहुत जबरदस्त होता है। सेक्शनल एनालिसिस आपकी जो नॉलेज है उसको इंक्रीज करने में बहुत मदद करता है। तो सेक्शनल नॉलेज और मॉक टेस्ट तो आपके जीवन में अगर आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो मॉक टेस्ट तो होने ही चाहिए, और अगर आपके पास मॉक टेस्ट नहीं है तो आप अपनी जो नॉलेज को वो इनहांस नहीं कर सकते विदाउट टेस्ट सीरीज के। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा टेस्ट बुक की टेस्ट सीरीज आप लीजिए, बहुत ही सस्ता है और बहुत ही ब्रॉड लेवल पे इसका एनालिसिस होता है। आप इसका एनालिसिस देखिए, चाहे प्रीवियस ईयर हो आपका, प्रीवियस ईयर में 5,000 के आसपास आपके पेपर डले हुए हैं मॉक टेस्ट के रूप में, 5,000 हर एग्जाम का यहाँ पे पूरा ऐड किया गया है और अपडेटेड वर्जन, मतलब अपडेटेड जो यूज किया जा रहा है किसी भी एग्जाम के द्वारा, SSC, बैंक, रेलवे, UP, किस भी स्टेट लेवल पर हो, जो नया वर्जन पे जो कोर्स क्वेश्चन बन रहा है, नए बेस पे जो क्वेश्चन बन रहा है उनको डिटेल किया जाता है, उसके बेस पे ही क्वेश्चन फिर बनाए जाते हैं, जो टेस्ट सीरीज होती है उस पर ही फिर आपको काम कराया जाता है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, देखिए जो टेस्ट बुक वीकेंड ऑफर में क्या होता है कि आपको 10% का डिस्काउंट तो मिलेगा ही मिलेगा, अगर आप PKC कोड का यूज करेंगे मेरे चैनल का तो वहां पे आपको 399 से आपको 360 पे मिल जाएगा। लेकिन ये जो पास होता था 12 मंथ का होता है, लेकिन वीकेंड पर ये 18 मंथ का हो जाता है, तो आपको इसी वीकेंड ये ऑफर आया है तो आपको जल्द से जल्द इसको खरीद लेना चाहिए, क्योंकि आपको 6 महीने ऑफर एक्स्ट्रा मिलना है तो आपको इसको खरीदना जरूर चाहिए अगर आपके पास अभी तक नहीं है। इसके अलावा अगर 50 रुपए का फ्लैट कैशबैक पाना चाहते हैं तो अमेज़न पे वॉलेट से आप पेमेंट कीजिए, आपको 50 रुपए का आपको कैशबैक मिलेगा, ठीक है, 50 रुपए का कैशबैक मिलेगा अगर आप अमेज़न वॉलेट से क्या करते हैं, आप पेमेंट करते हैं टेस्ट बुक के लिए। तो आप इस टेस्ट बुक की सीरीज को जरूर खरीदिएगा। आज वीकेंड ऑफर है, सैटरडे संडे तक ऑफर रहेगा, 26 तारीख को ये ऑफर खत्म हो जाएगा, तो 26 तारीख तक ये ऑफर है, मतलब संडे और सैटरडे का ऑफर है, आप खरीद सकते हैं। 18 मंथ के लिए वैलिड होगा, 360 रुपए में होगा जब आप PKC का कोड यूज करेंगे, 50 रुपए का फ्लैट आपको ऑफर मिलेगा अगर आप अमेज़न वॉलेट का यूज करते हैं। फटाफट से इसको बाय कीजिए और PKC को कोड का यूज कीजिए, 10% का डिस्काउंट पाइए। इसके अलावा 18 मंथ का यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, पूरा पैकेज मिलेगा, ठीक है। तो अब चलते हैं हम आगे। देखिए ये 2020 की बेसिकली आपकी जो है वैकेंसी है, इसका भी कोई लेना देना नहीं, बाद में बात करेंगे, ये थोड़ा सा पेन डिस्टर्ब कर रहा है तो थोड़ी माफी चाहता हूँ, आगे चलता हूँ, ठीक है। देखिए ये आपका टीयर 1 का कट ऑफ है आपका, आपको पता है 2020 का ये कट ऑफ है, तो कट ऑफ थोड़ा सा 2019 की अपेक्षा तो कम ही कट ऑफ गया है, आप देख सकते हैं यहाँ पर, तो इसके बारे में आप देख लीजिए, बाद में हम डिस्कस करने वाले हैं, थोड़ा सा पहले हम जहाँ हमें पहुँचना चाहिए वहाँ पहुँचते हैं, उसके बाद डिटेल करते हैं, ठीक है। तो ये देखिए आप कट ऑफ इसको देख लीजिए। अब हम अपने एनालिसिस की तरफ चलते हैं। देखो मैंने सेक्शनल एनालिसिस नहीं किया है, मैंने डायरेक्ट पूरा उठाया और एनालिसिस किया है। अब हम चलते हैं अपने डायरेक्ट एनालिसिस की तरफ, ठीक है। तो अब वहां पे हम बात करेंगे, यहाँ पे हम देख लेते हैं। देखो जो वैकेंसी है वो आपकी 4800 के आसपास रहेगी, 4700-4800 के बीच में, और पीए
एस सी की जो वैकेंसी अभी प्रेजेंट टाइम में 3440 3340 है, और इसमें देखिए सबसे बड़ी बात है जो स्टूडेंट अपियर हुए हैं वो आपके अपियर हुए हैं 14,64,714 स्टूडेंट आपके अपियर हुए हैं, लगभग लगभग आपके 38 लाख अप्रोक्स आपके फॉर्म भरा गया था जिसका 38.47% लगभग लगभग इसका परसेंटेज है। पिछले साल यही परसेंटेज आपका 30% के आसपास रहा था, ठीक है। इसके अलावा अगर बात करूं यहाँ पे आपके कैंडिडेट कितने बुलाए जाएंगे टीयर टू के, तो लगभग 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 45,000 से 46,000 के बीच में बुलाए जाएंगे, इससे ज्यादा कट ऑफ स्टूडेंट्स आपके नहीं बुलाए जाएंगे। तो आपको पूरा डिटेल आपको यहाँ पे दे दी। अब हम चलते हैं अपने एनालिसिस की तरफ। एनालिसिस दूसरे तरीके से खुला गया है तो उसमें वहां पे हम देखते हैं, ठीक है। तो आप बने रहिए और पूरा डिटेल यहाँ पे देखिए, तो देखने की आवश्यकता है नहीं तो हम इसको हटाते हैं और दूसरी तरफ चलते हैं और आगे चलते हैं। और ये आप देख सकते हैं यहाँ, बस मुझे एक चीज दिखानी है आपको कि थोड़ा सा पीछे चलते हैं। हाँ, ये यहाँ पे एक चीज दिखानी, देखिए ये जो ये एवरेज स्कोर है ना, ये देखिए कितना है, 133.3893 है। इसके आगे और भी था, तो ये जो स्कोर है ये आपको देखो नीचे कितना मेल खाता होगा दिखेगा, और एवरेज स्कोर में आपको जो अटेम्प्ट बेस पे है उसमें कितने परसेंट का गिरावट आया, ये सब आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। देखते हैं, अब आगे चलते हैं। अब यहाँ पे देख लीजिए, ये आपका अटेम्प्ट बेस एनालिसिस है और ये आंसर की के बाद आपका एनालिसिस यहाँ पे किया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये थोड़ा सा क्या होगा, जो हम पीडीएफ बनाए जो बनाए थे इसमें मैथ का डिलीट हो गया था मुझसे, तो अब फिर से मुझे पूरा वर्क करना पड़ा। और यहाँ पे देख लो ये छोटा है ये बड़ा है, तो इसमें थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना आप लोग, और तबीयत भी थोड़ा सा खराब है तो इस बेस पे थोड़ा सा, ठीक है। देखिए 24 तारीख की शिफ्ट में, फर्स्ट शिफ्ट की बात करूं तो मैथ 36.96 एवरेज स्कोर रहा, इंग्लिश 34.89 रहा, रीजनिंग में 36.16 रहा, जीए में 12.32 रहा, और जो एवरेज स्कोर आया है वो 120 के आसपास आया है। वहीं सेकंड शिफ्ट की बात करूं तो 39.43, 37 इंग्लिश में, 38 रीजनिंग में, 11.40 जीए में, और टोटल एवरेज स्कोर बनना है 125.96, मतलब 26 के आसपास आपका नंबर 126 के पास। थर्ड शिफ्ट की बात करूं 142 आपका मैथ में है, 39.86 आपका इंग्लिश, 43.50 रीजनिंग, 12 नंबर आपका जीवन, 137.41 आपका टोटल स्कोर हो रहा है। यहाँ से 25 शिफ्ट में देखेंगे आप तो 133 हो रहा है, और यहाँ देखेंगे 129, 130 थर्ड शिफ्ट में, तो ये आपको देखो यहाँ पे कहीं ना कहीं मेल खाता हुआ दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे आपको डिफरेंस ज्यादा दिख रहा हो। यहाँ पे आप देखिए 17 नंबर का डिफरेंस हो गया, यहाँ पे आपका 12 नंबर का डिफरेंस हो गया, तो यहाँ पे शिफ्ट में थोड़ा सा डिफरेंस देखने को ज्यादा मिला है शिफ्ट में। 26 तारीख की अगर बात करूंगा यहाँ पे तो 134 है फर्स्ट शिफ्ट में, सेकंड शिफ्ट में 137 है, और थर्ड शिफ्ट में आपका कितना है, आपका 130 है, ठीक है। तो आप इसका ध्यान रखिएगा। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं, और यहाँ पे अब इसके बाद देखते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे 27 तारीख की अगर बात करूँ, फर्स्ट शिफ्ट में आपका 122 है, सेकंड शिफ्ट में 124 है, लेकिन यहाँ थर्ड शिफ्ट में पूरा गेम ही चेंज हो गया, 140 हो गया। यहाँ पे देखिए 16 नंबर का अंतर, यहाँ तो देखिए 18 नंबर का अंतर, ये बहुत बड़ा अंतर है, और ये कहीं ना कहीं डिफरेंस बहुत कर दिया शिफ्ट में। ये वाली शिफ्ट मुझे बड़ा अचंभित करके गई है कि भाई इतना कैसे डिफरेंस हो सकता है, और यहाँ पे इसको भी ग्रीन करना है लेकिन मैंने किया नहीं, कोई बात नहीं। 30 तारीख के फर्स्ट शिफ्ट की बात करूँ 138.5 मतलब मिलता जुलता नंबर, यहाँ पर अगर सेकंड शिफ्ट की बात करूँ 130, यहाँ भी देखो 8 नंबर का डिफरेंस हो गया, और यहाँ ये सेकंड और थर्ड शिफ्ट देखेंगे आप बिल्कुल एग्जैक्टली चल रही है राइट वे में। और यहाँ पे 31 की फर्स्ट शिफ्ट की बात करूँ 136.39, और यहाँ पे 132.11 आपको सेकंड शिफ्ट में, थर्ड शिफ्ट में 133.3, ये दोनों शिफ्ट लगभग लगभग ठीक ठाक है, मतलब एवरेज ज्यादा डिफरेंस यहाँ पर नहीं है। लेकिन यहाँ पर 27 तारीख की शिफ्ट आपका हो गया और यहाँ पे 30 का शिफ्ट भी आपको थोड़ा डिफरेंस ज्यादा है। यहाँ पे अगर 1 तारीख की बात करूँ, 1 तारीख की बात करूँ तो ये आपका देखो 129 आपका एवरेज आ रहा है फर्स्ट शिफ्ट में, सेकंड शिफ्ट में 119 आ रहा है, ये आपकी लोएस्ट शिफ्ट में से है कुछ, और ये आपकी जो ग्रीन है वो हाइयर शिफ्ट में से कुछ है, ठीक है। तो आप इसका ध्यान रखिएगा। इसके अलावा अब हम बात करते हैं, यहाँ पर अगर थर्ड शिफ्ट की बात करूँ 122.38, और यहाँ पे अगर इसकी बात करूँ से, और अगर सेकंड शिफ्ट की बात की जाए आपको उसी तारीख में 131.83 है, और अगर थर्ड शिफ्ट की बात की जाए तो 140 मतलब ये वाली शिफ्ट आप देखिए 144.08, यहाँ 2 तारीख की थर्ड शिफ्ट और यहाँ पे 27 तारीख की थर्ड शिफ्ट में बिल्कुल मेल खाता हुआ दिखेगा आपको, बिल्कुल एग्जैक्टली आपको चलती हुई ये आपको दिख रही है, ठीक है। तो यहाँ पे आप थोड़ा सा यहाँ पे इसके लिए दिक्कत होगी, और आगे चलते थोड़ा सा शिफ्ट ज्यादा है, थोड़ा सा पीडीएफ भी बड़ी बनानी पड़ी।
और यहाँ पर 3 तारीख की अगर फर्स्ट शिफ्ट की बात करूँ तो 127 एवरेज स्कोर है। अगर वहीं 3 तारीख की सेकंड शिफ्ट की बात करूँ तो 116, ये सबसे लोएस्ट है मेरे में, सबसे लोएस्ट शिफ्ट है ये मेरे के अंदर। और ये है शिफ्ट आपकी 3 जून की, सेकंड शिफ्ट है आपकी, 116 नंबर यहाँ पे बन रहा है। वहीं अगर थर्ड शिफ्ट की बात करूँ यहाँ पे 134 यहाँ पे बन रहा है। अब देखिए यहाँ पे डिफरेंस कितना है, यहाँ पे 11 नंबर का डिफरेंस है आपका, और यहाँ पे आप अगर देखेंगे तो 8 नंबर का आपका डिफरेंस देखने को आपका, नहीं 18 नंबर का डिफरेंस आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। हाँ 18 नंबर का डिफरेंस आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। वहीं अगर 6 तारीख की फर्स्ट शिफ्ट बात करूँ 134.98, अगर वही 6 तारीख की सेकंड शिफ्ट बात करूँ 117। ये देखो शिफ्ट थोड़ी सी आपको डिफिकल्ट लेवल आपको बताएंगे, ये डिफिकल्ट लेवल में ज्यादा है। अगर थर्ड शिफ्ट की बात करूँ 6 तारीख में तो 124 है, यहाँ पे देखो 17 नंबर का डिफरेंस है। यहाँ आप देखेंगे आपका ज्यादा डिफरेंस नहीं, लेकिन तब भी आपको 7 नंबर का डिफरेंस है यहाँ पे। और यहाँ पे 7 तारीख की फर्स्ट शिफ्ट की बात करूँ यहाँ पे तो 131.14, यहाँ पे अगर बात करूँ तो 131.34, यहाँ बात करूँ 130 आपका डिफरेंस है। और अगर 8 तारीख की बात करूँ 120.42, और यहाँ पे बात करूँ ये देखो ये भी आपकी लोएस्ट शिफ्ट में से एक है, ये भी आपकी लोएस्ट शिफ्ट में से एक है, 128.38 आपका है। और 8 तारीख की सेकंड शिफ्ट में अब आगे देखते हैं, देखिए थर्ड शिफ्ट की अगर बात करूं 139.31, और अगर 9 तारीख की फर्स्ट शिफ्ट की बात करूं यहाँ पे 120, और यहाँ पे एक और लोएस्ट शिफ्ट जो आपकी है 11816 है आपका, 9 तारीख में आपका है 118। इसके अलावा अगर थर्ड शिफ्ट की बात करूँ वही 123 देखिए आप, यहाँ पे आप इसको देख सकते हैं यहाँ पे कितना डिफरेंसेस आपको देखने को मिल रहा है। और जो एवरेज आपका मिलके आया वो आया 132, कितना आया 132.6556। वहाँ आपका जो एवरेज था 133.67 ऐसा कुछ था। तो आप देखो कितना लेवल आपका लगभग सही चला, मतलब ज्यादा डिफरेंसेस आपको देखने नहीं, क्योंकि अगर डाटा गलत हो तो बहुत बड़े लेवल डिफरेंसेस क्रिएट हो जाते हैं। लेकिन यहाँ आपको देखने को ऐसा नहीं मिला है कि आपका डाटा कहीं भी डिफरेंस किया हो, ठीक है। तो अब इस बात को ध्यान रखिए। अब यहाँ पे देखो बात करते हैं नॉर्मलाइजेशन का, नॉर्मलाइजेशन कैसे होगा आपको सबसे पहले यही जानना है कि नॉर्मलाइजेशन कैसे होगा और कितना नंबर यहाँ पे बढ़ेगा। तो ये पूरा हम आपको बता देते हैं, आप अपनी अपनी जो भी शिफ्ट है वो आप देख लीजिए। मैं शुरुआत से स्टार्ट करता हूँ और आप शुरुआत में पहुंचिए, शुरुआत में आज से आप इसको देखिए, फिर से मैं अब यहाँ नॉर्मलाइजेशन इसको भी आपको बता देता हूँ यहाँ पर, ठीक है। तो उसके बाद मैं कट ऑफ बताऊंगा, कट ऑफ के लिए आप ध्यान रखिए मैं इसमें ही कट ऑफ बताऊंगा क्योंकि वहां पेन चलाने में थोड़ा दिक्कत होता है। तो यहाँ पे मैं कट ऑफ बताऊंगा आपको, तो ध्यान रखिएगा कट ऑफ आप थोड़ा सा देख लीजिएगा यहाँ पर, ठीक है। चलिए देखिए शुरुआत करते हैं 24 तारीख के नॉर्मलाइज स्कोर से। अगर देखिए सबसे पहले हम चलते हैं जो सबसे लोएस्ट शिफ्ट है उसके पास, उसके बाद आपको हम डिटेल बताते हैं, ठीक है। देखिए हमारी जो सबसे लोएस्ट शिफ्ट है वो है आपकी 3 तारीख की आपकी सेकंड शिफ्ट, 3 तारीख की सेकंड शिफ्ट में जो स्कोर नॉर्मलाइज वो बढ़ने वाला है वो मैं आपको दिखा देता हूँ, थोड़ा सा नोट डाउन करके रखे हुए पूरा डिटेल है। और यहाँ पे जो आपका बढ़ने वाला है यहाँ पे तो अप्रोक्स आपका, यहाँ पे थोड़ा सा पेन चेंज कर लेता हूँ, और यहाँ पे ये आपका जो नंबर है लगभग बढ़ेगा 26 के आसपास, 26 के आसपास आपका नंबर बढ़ेगा इस वाली शिफ्ट में, ये हाईएस्ट नंबर बढ़ेगा आपका इस वाली शिफ्ट में। इसमें भी आपका 25-24 के आसपास आपका नंबर बढ़ेगा। देखिए जो एक्जेक्ट है वो ही बता रहा हूँ, डेसिमल में नंबर है इसलिए मैं आपको थोड़ा सा एक्जेक्ट में बता के चल रहा हूँ, क्योंकि डेसिमल नंबर बताना बहुत बेकार होता है। मैं एक्जेक्ट डाटा बता रहा हूँ, प्लस इसलिए कर देता हूँ कि जो माइनर डिफरेंसेस है वो आपका यहाँ पे लेवल हो जाए, ठीक है। वहीं अगर बात करूं हार्डेस्ट शिफ्ट में तो इसमें नंबर 5 बढ़ने की उम्मीद है, बस 5 नंबर बढ़ने की उम्मीद है इसमें, इससे ज्यादा नंबर आपके बढ़ने की इसमें उम्मीद नहीं है। अब आगे चलते, जैसे ये है 119 वाली शिफ्ट है तो इसमें आपके लगभग 21 नंबर आपके आसानी से बढ़ जाएंगे, ठीक है। अब आगे देखते हैं और आगे चलते हैं थोड़ा सा, और अब देखते हैं यहाँ देखो 140 वाला है। अब ये जो शिफ्ट है और वो शिफ्ट सेम ही है तो यहाँ भी आपके 5 नंबर तक इंक्रीज हो सकते हैं, ठीक है। अब आगे चलते हैं, देखिए घटेंगे लगभग किसी के नहीं, लेकिन आपके इतने नंबर इंक्रीज जरूर होंगे, ठीक। अब यहां पर देखिए, अब यहां पर इस वाले नंबर में कितने इंक्रीज होंगे तो आप रखिए 120 में आपके लगभग 22-23 के अराउंड आपके नंबर इंक्रीज हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ 125 की बात करूं तो यहाँ पे आपके 17-18 के बीच में नंबर, अब ये 17-18 इसलिए लिखा क्योंकि नॉर्मलाइजेशन ये इसको नहीं आता है, लेकिन क्योंकि डेसिमल में लिखना हर चीज को बड़ा दिक्कत होता है तो इसलिए मैं इसको बता रहा हूँ। 137 में आपका मान के चलिएगा आपका नंबर जो है 11 के आसपास आपका बढ़ेगा, और आपका 133 में आपका जो स्कोर है वो 14 के आसपास बढ़ रहा है,
और यहाँ पे 129 में जो ही वो आपका जो स्कोर है वो थोड़ा सा आपका और बढ़ेगा, यहाँ पे 16 के आसपास पहुंच जाएगा। 139 में भी 16 दिखा रहा था क्योंकि यहाँ पे 6867 दिखा रहा है, तो मैंने इसको 16 लिख दिया है आपका, ठीक है, डायरेक्ट ध्यान रखिएगा 16 लिख दिया आपको डायरेक्ट, ठीक है। इसके अलावा अगर 134 की बात करूं तो 134 लगभग इसके अराउंड ही आपका बढ़ेगा, यहाँ पे ये 13.7846 दिखा रहा है, अब 64 दिखा रहा है। अगर आप देखो इसको अगर उसी लेवल में चलेगा तो थोड़ा दिक्कत हो जाए, अब 137.38 तो लगभग इसके आप अप्रोक्स 11 के आसपास बढ़ेगा। अब ये डेसिमल में आपका नंबर था, ये डेसिमल थोड़ा सा कम नंबर है, तो यहाँ डेसिमल लिखना आपका थोड़ा सा ज्यादा डिफरेंट। अब देखो 130 में आपका कितना नंबर बढ़ेगा, 16 के आसपास। 122 में आपका नंबर कितना बढ़ेगा, अब देखिए 120 में आपका 22 बन रहा है, तो यहाँ मान के चलिए आपका कहाँ गया, हाँ ये गया, ये आपका मानिए चलिए आपका 19 से 20 के बीच में आपका नंबर बढ़ जाए। देखो ये आपका डेसिमल में, फिर भी बात बता रहा हूँ मैं आपको, ध्यान रखिए। अब देखो 124.96 है, अब इसमें डिफरेंस क्या, एक नंबर का डिफरेंस है, तो डेसिमल में पॉइंटों में आपका खेल होगा, तो यहाँ पे मैं फिर कहूंगा 17-18 के आसपास आपका नंबर बढ़ जाएगा, ठीक है। अब आगे चलते हैं, इसमें देखिए आप इस बात को थोड़ा सा चिंतित रहिए ना रहिएगा कि आप थोड़ा सा कैसे बता रहे हैं, तो आप लोग जो जो मैं बता रहा हूँ आप जब रिजल्ट आए तो आप देख लीजिएगा। 137 में आपको मैंने जो बताया था उसी हिसाब से बढ़ेगा, 130 में मैं पीछे बता चुका हूँ तो उसी हिसाब से देखिए ये नंबर जो है वो उसी हिसाब से चलेंगे आपका। 136 भी 137 के हिसाब से चलेगा क्योंकि ज्यादा डिफरेंसेस इसमें देखने को नहीं मिल रहा है, तो आपको मैंने अपने हिसाब से आप देख लीजिए। 122 में मैंने अभी आपको जस्ट बताया कि आपका 19 नंबर 19-20 के आसपास आपका बढ़ जाएगा। 131 देखो जैसे है, 131 मैंने कितना बताया था, देखो आपको अभी मैं बता देता हूं यहाँ पे, एक मिनट, आपका ये है कौन सी शिफ्ट है, 131 की सेकंड शिफ्ट है, सेकंड तारीख की थर्ड शिफ्ट आपका यहाँ पे लगभग लगभग ये वाली शिफ्ट जो है आपकी 130 140 है आपको सेकंड, हाँ आपका लगभग लगभग 14 नंबर के आसपास बढ़ जाएगा। तो देखो ये आपका यहाँ पे ऐसे ही आपका बढ़ेगा और ज्यादा आपको कुछ इशू लेने का नहीं है। अप्रोक्स जो आपका नॉर्मलाइजेशन रहेगा वो हाईएस्ट टू लोएस्ट मैं आपको बताऊं अगर बेसिकली, अच्छा इसको मैंने देखा ही नहीं, और यहाँ पे ये 118 है आपका, ये आप देख लीजिए 118 है, इसमें भी आपको मैंने बता दिया था अगर हाईएस्ट आपका जो बढ़ने वाला है यहाँ पे तो 22 से 23 के बीच में यहाँ पे आपको बढ़ जाएगा आपका नंबर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ये पूरा आप अपने हिसाब से देख लीजिए, जो मैंने नंबर बताया लगभग आपको एक नंबर मैंने बता दिया, लगभग अप्रोक्स में वही सब चल रहा है, तो उसी हिसाब से आपका यहाँ पे इंक्रीज आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। सबका बताना लिखा हुआ था, मैंने लिख नहीं पाया थोड़ा सा, और वीडियो बनानी थी तो उस बेस पे आप थोड़ा सा देख लीजिए इसके अलावा, ठीक है। अब यहाँ पे हम आपको कट ऑफ बताते हैं डायरेक्ट, और सीधा कट ऑफ की तरफ ले चले, यहाँ पे आप सीधा कट ऑफ देखिए यहाँ पे, और यहाँ पे अगर कट ऑफ की बात करूँ, यहाँ पे कट ऑफ की बात करूँ, यहाँ पे देखो कट ऑफ का मैं एनालिसिस कर चुका हूँ और पीछे मैंने पूरा डाटा आपको पहले ही बता दिया है, तो दोबारा उस पर जाने का कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे कट ऑफ देख लेते हैं, यहाँ पे जो कट ऑफ एनालिसिस करके, अगर यूआर की कट ऑफ की बात करूँ, यूआर के लिए कट ऑफ की बात करूं तो 142 से लेकर 145 के बीच में रहेगी। इसका रीजन ये है कि आपके पिछले साल जो परसेंटेज थी वो 30% थी, इस बार आपकी 38 के आसपास है, तो आपका इंक्रीज हुआ है प्रेजेंस में, तो इस वजह से आपके जो कट ऑफ है वो इंक्रीज होनी होनी है, और कट ऑफ इंक्रीज होगी इसके बाद आपके नॉर्मलाइजेशन है, नॉर्मलाइजेशन ज्यादा डेविएशन देखने को नहीं मिला तो ज्यादा डिफरेंस आपको वहां पर नहीं समझ में आएगा, लेकिन आपको इतना कट नंबर आपका नॉर्मलाइजेशन के बाद इतना बनना चाहिए और तभी आपका श्योर सिलेक्शन होगा। इसके प्लस ही आपका 12 से लेके 20 नंबर के बीच में होगा तभी आपका फाइनल सिलेक्शन होगा, इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। अगर ओबीसी की बात करूं यहाँ पे, ओबीसी की बात करूं यहाँ पे, तो इनका भी 140 से 141 के बीच में नंबर रहेगा और ध्यान रखिएगा इस बात का। और ईडब्ल्यूएस की बात करूं यहाँ पे, ईडब्ल्यूएस के लिए जो है वो आपका 120 से लेकर 122 के बीच में, एससी के लिए बात करूं, एससी के लिए जो नंबर है वो आपका है 116 से लेकर 117 के बीच में, एसटी की बात करूं यहाँ पे 110 से लेकर 112। अगर अभी हम हॉरिजेंटल कैटेगरी की बात करूं, जैसे ओएच की बात करूं, यहाँ ओएच के लिए नंबर है 108 से लेकर 110 के बीच में आपके मार्क्स होने चाहिए नॉर्मलाइज। अगर बीएच के लिए बात करूं यहाँ पे, यहाँ पे आपके नंबर होने चाहिए 95 से लेके 97 के बीच में, और यहाँ पे अगर बात करूं एचएच के लिए, एचएच के लिए जो नंबर है वो 65 से लेके 67 के बीच में, और अगर अदर पीडब्ल्यूडी की बात करूं यहाँ पे तो नंबर होना चाहिए 53 के अराउंड नंबर होना चाहिए। ये आपका नॉर्मलाइज्ड स्कोर है, और देखो ये आपकी कट ऑफ है नॉर्मलाइजेशन के बाद,
और आपकी लगभग लगभग यही कट ऑफ रहेगी, अप्रोक्स 45,000 के आसपास स्टूडेंट आपके क्वालिफाई किए जाएंगे टीयर टू के लिए, ठीक है, टीयर टू के। उस टीयर टू का जो रिजल्ट आएगा उसमें 28,000 स्टूडेंट आपके क्वालिफाई किए जाएंगे टाइपिंग के लिए, और टाइपिंग का जो रिजल्ट आएगा डीबी के लिए लगभग लगभग आपके 12,000 स्टूडेंट क्वालिफाई किए जाएंगे डीबी के लिए। तो ये रेशियो चलता है और हमेशा ये चलता आया है, इसमें ज्यादा डिफरेंसेस देखने को कभी ना मिला है ना मिलना है आगे, क्योंकि बस इतना याद रखना पीए जो ऐसे है 2022 से वो आपका ग्रेजुएशन लेवल का हो चुका है, और सीएचएसएल में भी अब ग्रेजुएशन आपको चाहिए, और आपको केवल जो सीएचएसएल की मिनिस्ट्री जेएसओ और पीएसओ की जो वैकेंसी वही केवल आपका 10+2 स्टैंडर्ड का अगर जो वैकेंसी वो आपका ग्रेजुएशन लेवल का हो गया। अब एसएससी के अंदर केवल एमटीएस को छोड़ के और जेएसओ और एसओ की वैकेंसी छोड़ कोई भी वैकेंसी आपकी 10+2 लेवल की नहीं बची है, तो इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। तो ये कट ऑफ प्रेडिक्शन था जो मैंने आपको आसानी से बता दिया है, और बाकी आपको अगर नॉर्मलाइजेशन थोड़ा सा आपको दिक्कत हो रही होगी कि नॉर्मलाइजेशन कैसे चल रहा है, तो आप ज्यादा टेंशन मत लीजिए, जो नॉर्मलाइजेशन का जो नॉर्मलाइजेशन का जो होगा वो आपका 26 से लेकर 05 के बीच में होगा, ये आपका मिनिमम आपका इतना बढ़ेगा और मैक्सिमम नंबर आपका इतना बढ़ेगा जो हमने शिफ्ट बताए, उस हिसाब से आप देख लीजिए आप किस नंबर पर लाई करते हैं उसी हिसाब से आपका नंबर बढ़े, इससे ज्यादा नंबर आपका किसी भी शिफ्ट में नहीं बढ़ेगा, इस बात का ध्यान रखिएगा, और कम तो रेयर केस में ही किसी का होता है, और अगर कोई ज्यादा ही कम कर वैसा करके आया तो ही आपका कम होता है यहाँ पर, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, बाकी आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, उसमें आपको पूरा डिस्क्रिप्शन में ये हम पीडीएफ डाल देंगे, इसके अलावा पूरा आपको डिटेल वहां मिल जाएगा। इसके अलावा मैंने आपको बताया है यहाँ पे जो उसका भी आप ध्यान रखें, और अगर आपने अब तक टेक्स्ट बुक का आपने अगर नहीं लिया है तो आप टेक्स्ट बुक का जरूर ले लीजिए, वीकेंड ऑफर चल रहा है और इसमें आपको 10% तो डिस्काउंट मिल ही रहा है, इसके अलावा जो 12 मंथ का पैकेज मिलता है तो वो अब आपका 18 मंथ का मिलेगा, तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा, सैटरडे संडे तक ये ऑफर लागू है। इसके अलावा अगर आप अमेजन वैलेट से अगर पेमेंट करते हैं तो आपको 50 रुपए का कैशबैक मिल जाएगा तुरंत, तो इस बात का आप लोग ध्यान रखिए, यहाँ 39 रुपए ही है, 50 रुपए मतलब आपको 89 रुपए का आपका प्रॉफिट है, और यहाँ 6 मंथ का एक्स्ट्रा आपका प्रॉफिट है। 10 लैंग्वेज में आपको पूरा यहाँ पर डिस्क्रिप्शन मिलता है, आप किसी भी लैंग्वेज को चुनकर यहाँ पे पेपर दे सकते हैं, 540 एग्जाम को कवर करता है और 4100 से प्लस मॉक टेस्ट है इसमें, इस बात का ध्यान रखिए, वो प्रीवियस ईयर लगभग लगभग 5